ओम श्री गणेशाय नमः माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम एक बिल्कुल डिफरेंट रीडिंग के साथ आए हैं जो कि कहीं ना कहीं कर्मा पे बेस्ड है। इसमें हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर आपने इतना ज़्यादा सफ़र क्यों किया, पहला हम ये देखेंगे। और दूसरा हम ये देखेंगे कि क्या जिस पर्सन की वजह से आप इतना ज़्यादा सफ़र करा है आपने, क्या उसको डिवाइन कोई कर्मा दे रहा है, क्या वो स्ट्रगल कर रहा है, या वो आपको इतना परेशान कर कर आपको दुख देकर अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है और उसकी लाइफ तो बहुत ज़बरदस्त बीत रही है। सो दोनों तरफ से ये जानने की कोशिश करेंगे, आपकी तरफ से भी और उनकी तरफ से भी। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगी। और देखिए, एट द एंड जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो हर चीज़ को अपने ऊपर फोर्स नहीं करना है कि नहीं मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ या उसके साथ तो ऐसा नहीं हो रहा। सो ये एक जनरल रीडिंग है। सो किसकी एनर्जी पिक होती है वो सब चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं। बाकी आप इसे नाम राशि, सन साइन, मून, जिसके भी अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है, आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं इस रीडिंग को और उस हिसाब से मैसेजेस को ले सकते हैं, जिससे भी आप अपने फैमिली फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। जितने भी लोग नए आए हैं इस चैनल पे और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियोस देख रहे हैं, आई वेलकम यू ऑल। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। और अगर आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आती हैं तो अपने कमेंट करा करें और इसे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, सो अब जल्दी से इस रीडिंग को करते हैं स्टार्ट फ्रेंड्स। ऑल राइट, सो अक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि। सो फ्रेंड्स, देखने की कोशिश करते हैं कुंभ राशि कि क्या है वो रीजंस, क्या है वो प्रॉब्लम्स जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं अपने रिलेशनशिप्स में, क्यों इतना कर्मा मिलता है आपको। सबसे पहला है पोस्टपोनमेंट, ट्रस्ट, सेलिब्रेशन एंड साइलेंस। अक्वेरियस, आपकी लाइफ में सफरिंग के दो तीन रीजंस हैं और मैं एक एक करके सारे बताऊंगी। नंबर वन रीजन जो मुझे नज़र आया है वो ये है कि आप जब किसी रिलेशनशिप में जाते हैं, आप सामने वाले पे ओवर ट्रस्ट करते हैं। आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अब ये पर्सन मुझे प्यार करता है, मुझे मेरी केयर करता है, सपोर्ट करता है, तो ये हर हाल में मेरा साथ ही रहेगा, मुझे हमेशा से कमिटेड रहेगा, हमेशा से कमिटमेंट देगा। यही आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप उसकी कमिटमेंट को एक डिफॉल्ट सेटिंग की तरह ले लेते हैं। आपको कहीं ना कहीं उसे बताना है कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में हूँ, या मैं अगर रिश्ते में हूँ, शादी में हूँ, जिस भी चीज़ में हूँ, तो मुझे ये चाहिए आपसे। आप क्या करते हैं, आप सोचते हैं कि नहीं ये तो वक्त आने पर मुझे खुद ही मिल जाएगा। ऐसा करना ही आपकी सबसे बड़ी भूल है। आप उसके साथ वो सारी चीज़ें करते हैं, उसे वो सारे सुख देते हैं, खुशियां देते हैं, खुद भी लेते हैं, लेकिन जब वक्त आने पर वही इंसान आपको कहीं ना कहीं खंजर घोप देता है या मना कर देता है चीज़ों के लिए, तब आप एक ऐसी डीप साइलेंस में और इनसिक्योरिटीज़ में फंस जाते हैं, जहाँ आपको लगता है कि अब मैं इसके बाद क्या करूँ, मैंने सब कुछ तो कर लिया, अब तो मैंने इसे अपना सब कुछ दिया, समय दे दिया, वक्त दे दिया, मतलब अपनी एनर्जी दी, प्यार दिया, इतना कुछ दिया, और उसके बाद भी इंसान नहीं समझ पाए कि मुझे इससे क्या चाहिए। तो यही आपकी गलत बात है, और वो ये है कि आप सामने वाले को अपनी एक्सपेक्टेशंस क्लियर नहीं करते, और हर चीज़ को वक्त पर छोड़ने की वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, सो यहाँ पर आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है और ओवर ट्रस्ट नहीं करना है किसी को भी। बढ़ते हैं आपके पार्टनर की तरफ, क्या वो पर्सन कोई कर्मा फेस कर रहा है, उसको क्या कर्मा मिला आपको हर्ट करने का, उसने आपके साथ जो गलत किया। सबसे पहला टू ऑफ कप्स, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस एंड किंग ऑफ कप्स। देखिए यहाँ पर ना मुझे क्या दिख रहा है, नंबर वन ये पर्सन आपके साथ डीप लव फील करता है, नंबर टू इसको कहीं ना कहीं आपके साथ बहुत ज़्यादा पैशनेट रिलेशनशिप की एक एहसास है, लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, व्हील ऑफ फॉर्चून, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, लेट मी क्लैरिफाई दीज कार्ड्स
एंड टू ऑफ पेंटिकल्स। यस, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इंसान डिसीजन मेकिंग बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा, ये इंसान कंफ्यूजन में ही रहता है, ये यही नहीं समझ पा रहा कि मुझे एक्वेरियस को अपनी ज़िंदगी में परमानेंटली लाना भी है या उसे छोड़ना है। अगर ये डिसीजन बना चुका है तो डेफिनेटली ये इसकी वजह से बहुत सफ़र कर रहा है, क्योंकि ये आपको हद से ज़्यादा प्यार करता है लेकिन सफर्ड है। सो ये पर्सन का ये कर्मा ही इतना बड़ा है कि ये आपको चाहकर भी आपको पूरी तरह आपके रिलेशनशिप में पूरी तरह डूबे रहने के बाद भी ये पर्सन आज डिसीजन नहीं बना पा रहा, इतना कंफ्यूज है ये अपने परिवार में, अपने पार्टनर के बीच में, या आपको चूज करना है इसे, कुछ ऐसा है जहाँ पर इसे बिल्कुल कंफ्यूजन है और ये तड़प रहा है, ये रो रहा है, ये स्ट्रगल कर रहा है, बट इसको क्लैरिटी, रियलिटी बिल्कुल भी नहीं मिल रही और ये बहुत ज़्यादा इस टाइम असमंजस, कहते हैं ना, एक बहुत ज़्यादा एक इंसान जो ना जी सकता है और ना मर सकता है, इसकी वैसी सिचुएशन है और टू मच लव है आप दोनों के बीच में, बट ये पर्सन आज की डेट में आपको वो आपका हक आपकी सिचुएशन में आकर वो नहीं दे पा रहा। सो इससे बड़ा कर्मा एक इंसान की लाइफ में क्या होगा जहाँ पर वो प्यार भी करता है, सब कुछ करता है, बट स्टिल वो आपको आपका हक ही नहीं दे सकता, वो फंसा हुआ है। आइए देखते हैं कि क्या है आपके लिए डिवाइन गाइडेंस, डिवाइन आपको क्या बोलना चाहते हैं, आपको क्या करना चाहिए अब एक्वेरियस। कॉल इन द प्योर वाइट लाइट। देखिए, आप अपनी लाइफ को ऊपर वाले को समर्पित कर दें। अब आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, तो कोई बात नहीं, आपके हाथ में नहीं है कुछ चीज़ें, आपको ये चीज़ समझनी होगी। जब हमारे हाथ में कुछ नहीं होता तो हम उसे ऊपर वाले पे छोड़ देते हैं। आपको भी इस ही एक पॉलिसी पे चलना होगा और इसी पॉलिसी को आगे लेके बढ़ना होगा। जब नहीं रिजल्ट निकल रहा, नहीं ये इंसान आपके लिए स्टैंड ले रहा, जस्ट लेट इट बी, आपको भी उसे छोड़ना ही होगा। एंड अपने सोल पर्पस पे काम करिए, यानी कि आप क्यों आए हैं इस दुनिया में, आपका क्या रीजंस है, कि आपके पास सिर्फ एक पर्सन के साथ एक रिलेशनशिप में रहना ही आपका पर्पस है, ऐसा तो नहीं होगा ना। और भी आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे काम हैं जो आपको करने हैं, आप उसके ऊपर वर्क करिए और उसी के हिसाब से आगे बढ़िए, ठीक है। सो ये है माय डियर आपकी रीडिंग, एंड आई होप एक्वेरियस आपको बहुत क्लैरिटी मिली हो। प्लीज़ मुझे बताएं कमेंट करके कैसी लगी ये रीडिंग। बाकी मैं आपसे अगली रीडिंग में मिलूंगी फ्रेंड्स, और पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए फ्रेंड्स, बाय फॉर नाउ।